दो वेरी सीनियर फिजिक्स मेंटर्स जो रिसेंटली विजन 50 में ज्वाइन किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल विजय ठाकुर सर, वेलकम टू ईआरडी फाउंडेशन एंड वेलकम टू विजन 50 एकेडमी. सर आपने इससे पहले एलएन करियर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में पढ़ाया 4 साल, इससे पहले आकाश इंस्टीट्यूट में 7 साल पढ़ाया, और इससे पहले इंडिया के टॉप और भी इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ाया. तो सर अभी आप विजन 50 के सीनियर मेंटर थे, तो सर क्या आपको कैसा फील हो रहा है और आपका क्या कमिटमेंट है सर विजन 50 को आगे ले जाए, स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए? मैंने अपने लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करनी है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ काफ़ी सारे बच्चों से मिल भी चुका हूँ, तो अपने देख के ये काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं मेरे कोई कमी नहीं, हाईली डिसिप्लिन भी है, और उन बच्चों को बस थोड़ा सा खुद में भरोसा पैदा करके और बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है. मैंने देखा, मैंने बहुत सारे सिंगल डिजिट में भी रिजल्ट दिए हैं, और जो बच्चे तब रिजल्ट कर पाए थे और जो बच्चे हमारे पास अभी हैं, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, हम वैसे रिजल्ट यहाँ भी ला सकते हैं. रिजल्ट अगर अच्छा लगेगा और हमें लगता है कि डेफिनेटली मैं करूंगा, इतना तो भरोसा है. तो आपका सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस है टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, जहाँ से हजारों बच्चे निकलते हैं, तो सर अभी क्या ऐसे आपको लग रहा है कि ये रूरल एरिया में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है ईआरडी फाउंडेशन और स्पेशली हमारे चेयरमैन ईआरडी चांसलर यूनिवर्सिटी, तो सर ने जो ये विजन के साथ ये शुरू किया है रूरल के बच्चों को ये जो उनका ड्रीम है वो फुलफिल करने में मदद करने के लिए, तो सर ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये बच्चों को बाहर जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं यहाँ आया और लास्ट वन वीक से तो हर चीज़ में देख रहा हूँ, मेरे को लगा कि ये हमें लगता है कि बच्चों के बेहतर क्या कहूँ कहें सेक्रीफाइस ज़्यादा लगता है. हाँ, और इस लेवल तक उन्होंने, वैसे तो स्कूलिंग है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका विजन इतना क्लियर है कि बच्चे ना जाए, और यहाँ पर एपियरिंग में बच्चे रिजल्ट करेंगे, इधर 12th का रिजल्ट होगा और उधर रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रेगुलर ईयर में क्लियर डेफिनेटली करेंगे. थैंक यू सर. अभी मैं मोहम्मद आरिफ सर से बात करूँगा. सर वेलकम टू विजन 50. आपने शाहीन इंस्टीट्यूशन में 4 साल पढ़ाए. शाहीन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस माना जाता है, जहाँ से एवरी ईयर 500,000 बच्चे क्रैक करते हैं अच्छे से. इससे पहले आपने आकाश में पढ़ाया और भी बहुत सारा टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए, और अभी विजन 50 के आप सीनियर मेंटर हैं फिजिक्स के, तो सर क्या क्या आपका क्या प्लानिंग है और क्या कमिटमेंट है सर रिजल्ट जी? थैंक यू, मुझे बहुत खुशी है विजन 50 ज्वाइन करके, और यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही बेहतर है, विभिन्न उम्र के साथ रिलेटेड सिस्टम नीट और जेई को प्रिपेयर करवाया जाता है, और यही जो तरीका है प्रिपरेशन का यही बेस्ट है आज के, यही बेस्ट है, और उसको यहाँ पे लेक्चर प्रिपरेशन और मॉनिटर्ड सेल्फ स्टडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको इंटीग्रेटेड सिस्टम कह रहे हैं. इसमें बच्चे को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ ही नीट और JEE क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा, अगर वो सिंसियरली 2 साल मेहनत कर रहा है और हमारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं. हमारी टीम बेहतर टीम है, एक्सपीरियंसड है, और तमाम टॉप इंस्टीट्यूशंस की है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को यहाँ पे मेहनत करवाना है और उनसे अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है. थैंक यू सर. थैंक यू. मुझे तो पूरा उम्मीद है आप दोनों जो फिजिक्स के मेंटर हैं नीट और JEE के जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया है, और अभी बच्चे आप दोनों से मिलने के पास और भी दो फिजिक्स मेंटर्स हैं, तो इसके अलावा बोर्ड के जो टीचर्स हैं वो तो दोनों अपने सीबीएसई जो स्कूल है सेंट्रल पब्लिक स्कूल बदरपुर और सेंट्रल दोनों में अपना अपना बोर्ड का टीचर है, इसके अलावा जो 4 आपको फिजिक्स के मेंटर्स हैं एक्सपीरियंस तो आप, और फिजिक्स मुझे लग रहा है कि बच्चों बहुत सो हैप्पी एंड वी आर ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू आपने बच्चों को हेल्प करने के लिए और जो चैलेंज है. मुझे लग रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद बच्चे इतना खुश है, ऑलरेडी हमारे पास फिजिक्स का टीचर्स है सीनियर टीचर, फिजिक्स का जो स्कोर है तो वो डिसाइडिंग हो जाता है, पूरा इंडिया में जो टॉप इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे सबसे अच्छा जो टीचर्स है उनको आने के लिए बैकग्राउंड से, और आपकी मेहनत और गाइडेंस से मुझे लग रहा है कि हमारा जो दोनों इंस्टीट्यूशन है
सेंट्रल कॉलेज स्कूल बदरपुर और सेंट्रल कॉलेज बदरगंदी, यहाँ के बच्चे बहुत ही बेनिफिटेड होंगे और अपना जो ड्रीम है वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।